मुरादाबाद में एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन केजीके महाविद्यालय द्वारा सोनकपुर स्टेडियम रामगंगा विहार में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनील चौधरी प्राचार्य केजीके महाविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया गया। हार्दिक बधाई देता हूँ जिन खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने प्रतिभा किया, मेहनत किया, आगे के लिए उन्हें शुभकामनाएं। आरएचओ मुरादाबाद को हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने स्टेडियम में हम लोगों को प्रतियोगिता के लिए स्थान दिया। यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर, कोच, अन्य सभी जिन्होंने इस प्रतियोगिता के सफल पूर्वक आयोजन में अपना योगदान दिया उन सभी को हार्दिक धन्यवाद। उन्हें महाविद्यालय की क्रीड़ा समिति प्रोफेसर अनिल चौहान जी, प्रोफेसर सिपूजन जी, अन्य सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयोजित प्रतियोगिता में कुल 14 महाविद्यालय के 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इस प्रतियोगिता में ओवरऑल विजेता NMNS दास कॉलेज बदायूं रहा एवं उप विजेता KGK महाविद्यालय मुरादाबाद रहा। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डॉक्टर राघव, प्रोफेसर सोमपाल सिंह एवं महाविद्यालय की क्रीड़ा समिति के प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर शिव पूजन सिंह, प्रोफेसर राजकुमार सोनकर, डॉक्टर नवीन कुमार पांडे, श्री अजय कुमार कपूर, श्री अजय कपूर, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डॉक्टर सत्यवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। निर्णायक के रूप में योगेंद्र कुमार, निर्भय विश्नोई, रवि कुमार, प्रदीप कुमार, कविता गौड़, दीपा गौड़, मोहित पाराशर, हरकिशोर सैनी ने कार्य किया एवं श्री संतोष छेत्री अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने मुख्य निर्णायक की भूमिका निभाई। ये अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग की MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की, और साथ ही साथ ये सिलेक्शन भी था। इसमें जो बच्चे फर्स्ट प्लेस रहे और जगह सिलेक्शन हुआ है वो ऑल इंडिया खेलेंगे जो कि बठिंडा में होने वाली है। कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें टोटल जो है 35 बच्चे थे अलग कॉलेज से, और आपका 10 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। ये रेगुलर हमारे यहाँ कराई जाती हैं और कराती रहेंगी, और बच्चों का जैसे आपसे प्रोत्साहन मिलता रहा तो और अच्छे लेवल पर हम इसको कराते रहेंगे। ये अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता हुई है यूनिवर्सिटी की, MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की। इसमें से टीम चुनी गई है, और जो टीम चुनी गई है जो आगामी होने वाली ये अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप होगी बठिंडा पंजाब में, तो वहाँ ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ से जाके, और जिसमें कि मुराद के 9 बच्चे सेलेक्ट हैं गर्ल्स और बॉयज़ करके। मुराद अलग अलग विभिन्न कॉलेज में है लेकिन 9 मुराद के इसी स्टेडियम के बच्चे हैं जो इसमें सेलेक्ट हुए, जो चैम्पियन बने। आज कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया था? इसके बारे में मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता, शायद मेरे ख्याल से ऐसी 35 से 40 के बीच में बच्चे रहे हैं यहाँ पे, और सभी का अच्छा प्रतिभाग था। अन्य जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेज आते हैं वहाँ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 10 या 11 कॉलेजों ने। विश्वविद्यालय की ओर से पर्यवेक्षक डॉक्टर मनीष भट्ट एवं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिंस विशाल दीक्षित उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता का आयोजन एवं संचालन प्रोफेसर अनिल चौहान, क्रीड़ा सचिव KGK महाविद्यालय मुरादाबाद ने किया। ब्रजनाथ मौर्या, मोनू कुमार एवं गुलाबो देवी सहायक के रूप में कार्य किया। आज ये अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता थी जिससे टीम चयनित होकर ऑल इंडिया में जाएगी। यहाँ बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, विशेषकर हमारे सोनकपुर स्टेडियम के बच्चों ने काफ़ी मेडल प्राप्त किए हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये बच्चे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये इनके प्रशिक्षक की भी जिम्मेदारी है, जो सुनील छेत्री जी हैं वो मेहनत करें बच्चों पे और अच्छा परिणाम दें हमें मुरादाबाद के लिए।